अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मजे में? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक। अच्छा, डिफरेंट ईद होती है इस दफा। ये इस दफा मतलब बच्चों के बाद आपकी ईद बच्चों के लिए होती है। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी, अब्बू मुझे कहते थे कि ईद तो मेरी बेटी की है। तो बेटी की ईद इसलिए होती थी कि मैं बनाती थी पता नहीं क्यों 15-16 जोड़े। और अब मैं देखती हूँ कि अब वो चीज जो है ना मेरे अंदर से थोड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो नखरे उठाने वाले मेरे अब्बू जान अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन ये कि मैं आपको एक बड़े मजे की अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, मेरे और अब्बू तुम्हारी की, मिश्री याद है? मेरी मिश्रिया जो मेरे अब्बू से रिलेटेड है। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा दर्जी मेरा जोड़ा नहीं सी रहा था, तो मेरे अब्बू नीचे खड़े हो गए थे और 4 घंटे उस टेलर की शॉप के पास खड़े रहे। उन्होंने पूरा जोड़ा सिलवाया और वो जोड़ा लेकर आए, उसकी चूड़ियाँ, उसकी मेहंदी, हर चीज़। मुझे याद है अब्बू मुझे मीना बाजार लेके जाते थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो ये थी मेरी प्यारी सी, मेरे अब्बू से रिलेटेड मेरी मिश्री सी याद है। मैं चाहती हूँ कि मानी आप मैं बताएं। बड़ी इंपॉर्टेंट चांद रात पे पता नहीं क्यों मैं बाल कटवा रहा था। चांद रात पे क्यों जहन में आया? और मैं मुझे अचानक से एक मैंने उस जमाने में वो एक क्या नाम है सीडी पे आती थी, गाने आते थे एमटीवी के, तो किसी सिंगर को मैंने कहा इसके जैसे बाल बना दो। उसने मेरे बाल बनाए, मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए यहाँ से, उसने खड़े कर दिए यहाँ से खत्म, जो आजकल के बाल होते हैं नॉर्मली लोगों के। और सुबह मेरा नमाज के बाद इतना मजाक बना, इतना मजाक बना, बाद में वो स्टाइल बन गया दुनिया में, बाद में हम सब ने वो बाल रखे, लेकिन उस वक्त वो टाइम नहीं था। उस ये थी वक्त मेरी मिश्री सी याद। तो अब आप बताएं कि आपकी मिश्री सी क्या याद है और हमसे शेयर करें। लॉट ऑफ लव।